भूषण ज्वेलर्स। जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। नगरोटा के पास लगते गांव जसौर में मामूली कहासुनी के बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भाभी को गोलियों से भून डाला, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद के चलते यह मर्डर हुआ है। आरोपी दीपक फरार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक छोटे भाई ने दोपहर को अपने बड़े भाई, जो कि सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, उन्हें गोली मार दी और भाभी को भी मौत के घाट उतार दिया। विपिन कुमार जमानाबाद स्कूल में लेक्चरर पद पर कार्यरत था, जबकि उसकी पत्नी गृहिणी थी। वारदात के बाद में पता चला कि नगरोटा बगवा से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया है। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन की। वहीं धर्मशाला से मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। घटना के समय विपिन की गोद ली दो बेटियां घर पर थी। पुलिस ने विपिन के पिता और छोटी बेटी से भी वारदात के बारे में जानकारी जुटाई है। आरोपी दीपक कुमार नगरोटा बकवा की कबाड़ी पंचायत में किराए के मकान में रहता है। बताया गया है कि आरोपी ग्राम पंचायत मसल में पहले अपना एक निजी स्कूल चलाता था। एक वर्ष पहले उसने स्कूल बंद कर दिया था और कुछ अन्य धंधा कर रहा था। उसके दो बच्चे हैं। आरोपी हत्या की वारदात के बाद से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उसके परिवार को हिरासत में लिया जा रहा है। प्रदेश के सभी नाकों पर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने का प्रयास करेगी। देखिए, काफी शॉकिंग इंसिडेंट है। दो लोगों को शॉट डेड दिन में आ गया पे गोली चला के, जो है ये दो डबल मर्डर जो है रोमखड़ एरिया में नगरोटा पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ है। और इसमें मौके पे मेरे साथ SHO उनकी टीम और साथ में FSL की जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने साक्ष्य यहाँ पे इकट्ठे किए हैं और हम लोग फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ाएंगे। और अभी फिलहाल बॉडीज को हम टांडा मेडिकल कॉलेज जो है भेजेंगे और पोस्टमार्टम इनका जल्द से जल्द करवाने का हमारा प्रयास रहेगा और फर्दर कार्रवाई इसमें आगे। जो अभी जो विक्टिम था वो अभी इसमें अरेस्ट हुआ, अभी नहीं हुआ इसमें जो उनके ब्रदर जो है अपराधी जो है? देखिए, अक्यूज जो है जो यहाँ पे विटनेसेस के थ्रू हमें पता चला है कि उन्हीं का छोटा ब्रदर है, जो कि इस तरह से गोलियां चलाने के बाद मौके से ही फरार हो गया था। तो उस सिलसिले में पुलिस टीम्स जिला भर में गठित की गई है, नाकाबंदी की गई है और फिलहाल उसकी सर्च जारी है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी पुलिस उसको पकड़ के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे। ENTV के लिए विनोद चड्डा की रिपोर्ट।